जगी साले देख रहा है फिल्म, ये होता है शादी में अगर पैसे ना हो तो, समझा? हाँ तो तुम भी तो कुछ सीखो उसकी वाइफ से, कैसे पूरी फैमिली के लिए सब कुछ संभालती है, कमाती है, सब करती है, और तुम सिर्फ गाली बकती रहती हो मुझे। तो साले उसका बच्चा भी तो है, कम से कम कोई मोटिवेशन तो है उसकी जिंदगी में, तूने मुझे क्या दिया आज तक है? तो मानंदी तुम्हारी सुई आके बच्चे पे अटक जाती है, इस मैरिज में मेरा कुछ कहने का इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? और तुम पढ़ती नहीं हो कमेंट्स में, सब लोग लिखते हैं कि हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, इतना गलत हो रहा है मेरे साथ। और मैं तो सबसे कहना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा इतना साथ दिया, आज प्लीज जरूर कमेंट करें जगियाज लाइफ मैटर्स। साले तू बड़ा हीरो बन रहा है, लिखने दे साले, सभी जो लिख रहे हैं ना जगियाज लाइफ मैटर्स, सब डंडे मारूंगी मैं, अभी ब्लॉक करवाती हूँ सबको। रुक साले एक्टिविस्ट बनेगा, काट फोन तेरी माँ का। We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. Hi guys, मैं उज़ैर हूँ, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं Old Famous Honest Reviews। और जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में वादा करा था, हम आ गए इस हफ्ते का दूसरा एपिसोड लेके। वाह भाई साहब, जान पे खेल के आओ, मैं तो ये वाला एपिसोड देखने। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तुम्हें पता होगा मैं इस गर्दन से मुड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, ये देश सेवा में जो अब हम आ गए हैं तो अब कोई दर्द हमें नहीं रोक सकता। अब तो फाइनली हो ये रहा है कि बेहतरीन बेहतरीन फिल्में रिलीज हो रही है डायरेक्ट ओटीटी पर, अगले हफ्ते गुलाबों से ताबों पर रिलीज हो जाएगी। तो हमने कहा अब से हम वादा करते हैं जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसके अगले दिन रिव्यू ले। एग्जैक्टली, और सबसे बढ़िया लेकिन फिल्म जो बन रही है वो बन रही है भाई साहब दिल्ली की, जो बना रहे अरविंद केजरीवाल। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके केजरीवाल ऐसी दिल्ली दिखाता है हमें कि मतलब जन्नत के बाद दिल्ली, आपको भाई साहब कोई दिक्कत होगी नहीं, आपका घर पे इलाज हो जाएगा, बिस्तर की तो कमी नहीं है। और फिर मैं जैसे ही अपना फेसबुक ट्विटर खोलता हूँ, एक कोई बेचारे की वीडियो आती है जिसके किसी के पेरेंट्स को इलाज नहीं मिला, किसी की डेथ हो गई, वो केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खुल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इस आदमी का प्लान है तो है क्या। और बाकी इस हफ्ते की एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में नहीं कर पाए वो ये है कि हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने जीवन का सबसे बढ़िया काम कर दिया है, हिंदुस्तानी भाऊ ने केस ठोक दिया एकता कपूर के ऊपर, ऑल्ट बालाजी में बना दिया वो। और भाई बहुत से लोग तो इसी बात से नाराज हो गए कि अबे भाई क्यों कर दिया, इसी बहाने कम से कम हत्ती चल जाती थी हमारी। एग्जैक्टली, मतलब और कुछ तो बचा नहीं है लॉकडाउन में। गाइस आजकल ऐसा नहीं कि सब ऑल्ट बालाजी गंदी बात बना रहा है, सारे चैनल ने बेहतरीन कॉम्पिटिशन दे रखा है। तो गाइस आप समझ रहे हैं जैन को सबकी डिटेल मालूम है, शो पे आके बुराई करते हैं और फिर वाईफाई का सारा इनका डेटा यहीं जाता है। मैंने 20-20 सेकंड सारे शो देखे। 20-20 सेकंड, अच्छा अच्छा, मेन सीन टू सीन स्किप करके 20 सेकंड, उससे बाद देखने कोई तुक ही नहीं है, हो जाता है अपना जो 20 सेकंड। यू कम वे टू अर्ली। एनीवे गाइस, सबसे हमने देखी चोट एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट ये भी इज अ डीसेंट फिल्म। फिल्म के लीड रोल में सय्यामी खेर जो कि प्ले करती है एक बैंकर का कैरेक्टर, वहीं उनके घर में उनके हाउस हस्बैंड जो है रोशन मैथ्यू जो कि प्ले करते हैं एक स्ट्रगलिंग सिंगर, ओला ड्राइवर, इंश्योरेंस एजेंट, बेसिकली वो सारे काम इधर उधर के कर लेते हैं। क्या वो जॉनी सिंस बने, वन मैन मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो बने हिमेश रेशमिया? ओह यस, और मे बी MSG। मानना पड़ेगा ये MSG, रामपाल इस टाइप के जो बाबा होते हैं, इनके फैंस की डेडिकेशन कि भाई बड़े से बड़ी आपदा विपदा आ जाए इनका हफ्ते 10 दिन में ट्विटर पे एक ट्रेंड आ ही जाता है कि बाबा जी को रिहा करो, बाबा जी निर्दोष है, बाबू जी निर्दोष है। हाँ। उसके अलावा फिल्म में अमृता सुभाष जो कि प्ले करते हैं उन्हीं के एक पड़ोसी का कैरेक्टर, अमृता सुभाष अगर आप कंफ्यूज हो रहे गाइस तो वो वही है जो गाय टोंडे बाबू को वहाँ मिलती है केनिया में, जो पड़ोसी बनी है, एक अमृता सुभाष बनी है और दूसरी बनी है वो राजश्री देशपांडे जो कि प्ले करते हैं सुभद्रा। उपेंद्र लिमाए भी है इस फिल्म में जो कि एक मराठी बहुत बड़े एक्टर है, वो भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसका नाम है रेड्डी। और फिल्म के नेगेटिव रोल में गाइस आप तो गेस कर ही सकते हैं फिल्म के नेगेटिव रोल में कौन है, मोदी जी। और मोदी जी से जो अनुराग कश्यप ने पंगे लिए हैं ना ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो भाई साहब अब मोदी जी के फैन उसको सबक सिखा रहे हैं। IMDb पे उन्होंने क्या किया, रेटिंग 5.1 पहुंचा दिया कि साले इस पिक्चर की रेटिंग डीमोनेटाइजेशन की रेटिंग से खराब करके छोड़ेंगे, तू देख। तू साले वैसे ट्विटर पे बहुत उछलता है साले, तेरी को तो बताते हैं, तू आ बहुत लिबरल बनता है तू आ, तुझे देखते हैं साले। और हम आपको बता भी देते हैं कि फिल्म की कास्टिंग एग्जैक्टली हुई कैसे होगी। हु विल आंसर, ये करा मोदी के खिलाफ ट्वीट, अब ये सारी जनता को पता चलेगा अनुराग कश्यप कौन है। हेलो हेलो, हाँ भाई हेलो, हाँ सर मैं वही पूछ रहा था कि मतलब फिर कास्टिंग में किसको लेना है इसमें। इसमें वो उससे पूछ क्या करा नवाज से। अरे उसके तो सर कलेश चल रहे हैं, उसके तलाक के पेपर फाइल हो गए, उसके भाई भतीजों पे अलग मोलेस्टेशन के केस लग रहे हैं, वो मुझे लगता फ्री हो पाएगा। उससे पूछ वो ए बंटी से, जतिन से। वो सर वो कह रहा है वो अब ऐसी छोटी मोटी फिल्में नहीं करेगा, 83 कर ली उसने इसकी माँ का।
उससे पूछ, उससे विनीत से पूछ, विनीत से। विनीत कौन सा? बे विनीत बे, वो जिसको मुक्काबाद में लिया था मैंने, विनीत। सर आपने उसकी बेताल नहीं देखी क्या? इसकी माँ का बेताल भी तो कर लिया वो। चल पकड़ यार किसी को भी, इधर उधर से पकड़ ला के दे मेरे को जल्दी से, एडवांस आ गया नेटफ्लिक्स से मेरे को बनाने का फिल्म यार। ठीक है, एक दो है नेटफ्लिक्स की कास्ट अवेलेबल, उनको ले आऊं, रियूनियन भी हो जाएगी। हाँ कौन, कुकू है क्या? सर ये है अपना जो गायतोंडे भाऊ की बीवी थी, सुभद्रा ताई, ये सब लोग हैं। एक मोदी जी ने परेशान करा, तूने परेशान करा, बुला उन्हीं को, बुला यार। और हरू हरू मिल रही है लॉकडाउन में? अबे भाई माल दिलवा दे कहीं से यार, उसकी दिक्कत चल रही है। ठीक है मैं कराता हूँ जुगाड़। हालांकि आपको लग रहा होगा कि फिल्म का प्लॉट डिमोनेटाइजेशन के अराउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म का प्लॉट बेसिकली पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, एक जनरल आम लाइफ में और खासकर एक शादी के अंदर। एग्जैक्टली, पैसे की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। बस ये है कि फिल्म बेस्ड 2016 के अंदर है, तो उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन ने सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया ही था। हम सब लाइनों में लगे ही थे, मतलब सब क्या भाई, मोदी जी की मम्मी लगी थी, हम क्या चीज है। सही बात है, मोदी जी के अलावा सब लगे थे। हाँ मोदी जी खुद नहीं लगे ना लाइन में, पर मोदी जी ने बाद में इंटरव्यू में बता भी तो दिया कि बटुआ रखते ही नहीं हो तो। हाँ भाई मोदी जी, अबे भाई सन्यासी आदमी यार, और क्या यार, मोदी जी को क्या चाहिए। ओ भाई तुम्हारे इतने बड़े बड़े दोस्त हो, तुम काहे को रखोगे बटवा यार, और एक मोबाइल फोन है काफी है। हेलो हाँ मतलब हाँ, एक मेबैग भिजवाइयो। हाँ मतलब सोचो हमारे फोन में पेटीएम ऐप है, पेटीएम का मालिक मोदी जी का दोस्त है। मोदी जी के फोन में सिर्फ एक ऐप है भाई, वो है कि रिमूव चाइना ऐप। रिमूव गूगल ने साला ऐप ही रिमूव कर दिया, रिमूव चाइना ऐप वो भी ऐप रिमूव कर दिया। तो और ये गूगल मतलब सोचो सुंदर पिचाई साला धोखेबाज, हमारा हिंदुस्तानी होके और ये ऐसे ऐप रिमूव करा रहा है। हैशटैग गूगल की रेटिंग गिरा हुआ बस। फिल्म की कहानी बेस है मुंबई में, जहाँ पर एक बैंकर है, वो घर चला रही है और उनके हस्बैंड और जॉब्स करके कुछ ना कुछ पैसे कमाते थे, और लेकिन फिलहाल अनएम्प्लॉयड है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर लॉकडाउन। बिलो द बेल्ट बट ट्रू। अनएम्प्लॉयड को आपको चेंज कर देना है, द टर्म नाउ विल बी यूज्ड फ्रॉम हियर ऑन इज आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बस, यू आर नॉट बेरोजगार, यू आर आत्मनिर्भर। ये आइडिया पक्का योगी जी ने सुझाया होगा। इनफैक्ट आज योगी जी का बर्थडे भी है गाइस, तो हैप्पी बर्थडे योगी जी। हैशटैग वी लव योगी जी, वी लव योगी जी। मोदी जी का एक वीडियो काफी वायरल चल रहा है, पुराना वीडियो है, मोदी जी कह रहे हैं योगी जी के लिए कि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है वो भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अक्षय कुमार परेशान हो गया, कहेगा भाई मोदी ये बात तो तय नहीं हुई थी हमारे। हाँ, हमने खिलाड़ी वाला टाइटल तो नहीं लेना था आपको मेरे से, मैं आप पे जान छिड़कता हूँ और आप एक टाइटल है मेरा वो भी ले रहे हो। भाई लॉकडाउन का पालन ना करने में पुलिस से ज्यादा गुस्सा तो अक्षय कुमार हो गया था। अरे घर पे बैठ जाइए, अपने घर पे बैठ जाइए। फिल्म का प्लॉट मुंबई में बेस्ड है, जहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली है सयामी खेर की, घर में पैसों की तंगी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक चल रही है, और उसी के इर्द गिर्द पता चलता है कि भाई एक नाली है जो कि हर वक्त चोक्ड रहती है। अब आप सोचो आपके घर की नाली चोक हो, उसमें से क्या निकलेगा, कॉकरोच, लिजर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई उनकी चोक इसलिए होती है क्योंकि उनका पड़ोसी इसमें पैसे दबा के रखता है, और ये नाली खोलते हैं तो उसमें से पैसे निकलते हैं। बताओ, एक पैरेलल इसका नैरेटिव ये भी चल रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो सिंगर म्यूजिशियन है। अब हस्बैंड अभी भी अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश में है, वाइफ ने करना छोड़ दिया क्योंकि उसको फैमिली आगे बढ़ानी थी, और इस सारी टसल के बीच जब पैसे फाइनली मिलने लगते हैं वाइफ को तो वो हस्बैंड को नहीं बताती है, और तभी आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, डीमोनेटाइजेशन। अब जब मैं उनकी स्पीच देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई मोदी जी ने कितने स्टाइल से, हीरोइक से बताया था, 500 and 1000 रुपी नोट्स विल जस्ट बी अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। 8 नवंबर रात को 8 बजे, जब भी अब तब से उसके बाद से मोदी जी 8 बजे आते हैं भाई, लोगों की फटके फ्लावर हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ना बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि जनता बन रही नहीं बन रही, वो देखते रहते हैं कि हाँ हाँ अभी अभी सब सही, अभी बजा रहे हैं। कमांड है मेरी पब्लिक पे, और मैं मोदी जी का लॉन्ग टर्म गोल बता रहा हूँ, उनको बनना भाई अब दुनिया की पंचायत का नेता। आजकल डेली कॉल चलती है उनकी विदेशी नेताओं के साथ, कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगा दिया था, परसों वो उन्हें समोसे की फोटो भेज रहा था भाई। समोसे कैसे बने उससे? समोसे कैसे थे? मोदी जी की बातचीत अब इंटरनेशनल हो चुकी है, अब उनको ये राहुल गांधी से है ही नहीं मतलब। और डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसों को लेके एक अलग खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई आदमी कुछ कहता है, कोई आदमी कुछ कहता है, वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि वो आपको फिल्म देखे तभी बेहतर लगेगा। सो हियर आर द थ्री थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट दिस। आई नो इट्स बिकम बिट ऑफ अ जोक फॉर यू गाइस, बट द एक्चुअल ट्रूथ इज कि फिल्म की परफॉर्मेंसेस जेन्युइनली अच्छी हैं। सेकंड थिंग, फिल्म का डायरेक्टर क्योंकि शीरेश कुंदर नहीं है, इसलिए फिल्म की डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। एंड थर्ड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म इज दैट कि डीमोनेटाइज पे एक थोड़ा सा फ्रेश एस्पेक्ट दिखाया गया है और काफी बैलेंस टेक है। मूविंग ऑन टू द थ्री थिंग्स वी डिसलाइक्ड अबाउट द फिल्म, वन, द रन टाइम इज एक्चुअली क्वाइट लॉन्ग। ऐसा लगता है कि फिल्म में थोड़ा सा कंप्रेस करी जा सकती थी, कुछ कुछ जगह पर आपको जेन्युइन लगता है कि अब फिल्म ड्रैग हो रही है, ऐसा ना होता तो बेहतर होता। सेकंड थिंग वी डिसलाइक अबाउट द फिल्म की अनुराग कश्यप की पिक्चर है और गोली नहीं चल रही है, गालियां नहीं है, क्या है मतलब है?
इसके लिए देखते हम तेरी पिक्चर। Another thing that we really disliked about the film कि unnecessarily उसमें गाने घुसड़े गए हैं, unnecessarily उसमें background music हर वक्त बजे जा रहा है। ये वही है अनुराग कश्यप की जो दोस्ती हो गई है ना करण जौहर के साथ, उसका नतीजा है और कुछ नहीं है। Hi अनुराग, करण here। हाँ भाई बता क्या है? बस I heard you making a new film। How are you making it? कुछ suggestion चाहिए तो बता। देख भाई तेरे suggestion के हिसाब से चलेंगे तो फिर drive बन जाएगी, पर बता दे फिर भी क्या करना है। यार देख तेरी फिल्म ना बहुत ही डार्क होती है तो why don't you add some music, some मतलब ऐसे गाने वाने डाल यार थोड़े से। But you tell me, I'm also working on some projects। मैं अपनी फिल्मों को कैसे बेटर बनाऊँ, कुछ सजेशन दे यार। भाई देख एक तो कैरेक्टर्स को जितना ज्यादा रियल स्पेस में रखेगा और मतलब थोड़े इंडी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर, वो तू जितने नकली स्कूल हाँ। दिखाता है ना वो सब दिखाने बंद कर। पीछे से आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम सिद्धार्थ मल्होत्रा, आई विल कॉल यू बैक। हां चल ठीक है, साला कुछ भी बोलता है। सो रेटिंग को लेकर गाइस हम लोग काफी कंफ्यूज है बिकॉज फिल्म ना तो फुल एंजॉय तक पहुंच पाई हमारे लिए इंटायरली, हालांकि उसके बहुत क्लोज पहुंच गई मेरे लिए पर्सनली, ना ही वो योर मनी पे अटक पाई। सो पौने चार चलो मेरी तरफ से 3.5, मैं 0.25 काट रहा हूँ जो मोदी जी को गाली बकता है। हाँ ये मैं उसी के तो 0.25 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। वही है ना, ठीक है भाई। अमित शाह जी अगर आप देख रहे हैं आपको पता है किसको आत्मनिर्भर बनाना है आपको। अरे मानंदी क्या हाल है, आज कैसे याद किया मेरे को? बस मैंने कहा आप तो मुझे याद करते नहीं तो मैं ही आपको अपनी याद दिला देती हूँ। अरे यार ऐसा कुछ नहीं यार। और सुनो, आप नहीं तुम बोलना अच्छा लगता है। तू क्या कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे तुम? अरे यार वो कुछ नहीं यार, वो पिक्चर देख रहा था मैं। कौन सी? अरे भाई नहीं यार, अनुराग कश्यप की चोग्ड। पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा तो यार, मतलब ये लगा ले अनुराग कश्यप पिक्चर है, मैं ये देख के सोच रहा था अंदर गोलियां चल रही होंगी, ऐसा गन चल रही होंगी, गाने होंगे अंदर, लड़के नाच रहे होंगे गानों में लड़की बन के और गांजा पी रहे होंगे, कुछ नहीं मिला ऐसा, मतलब मेरा तो मूड एकदम स्पॉइल हो गया। क्या किया जाए आपका मूड बेटर करने के लिए? अरे यार अब सारी बॉर्डर खुल गई हैं, तुम एक काम करो तुम बस पकड़ के आ जाओ बस मेरे पास। क्या पकड़ के आ जाऊं? अरे बस पकड़ के आ जाओ मेरे पास। हाँ पर क्या पकड़ के आ जाऊं? बस पकड़ के आना है, बस पकड़ के आना है। वो तो मैं आ जाऊंगी पर क्या पकड़ के आना है? मैं गधी औरत, बस पकड़ के आना है DTC की रोडवेज की बस, चार पहियों पर चलने वाली बस जो सड़क पे घुमाती है, वो पकड़ के आना है। मैं एक बार में समझ जाता हूँ जब उसे बोलता हूँ कुछ। कौन समझ जाता है एक बार में? कोई नहीं मतलब बबली कोई। हेलो आवाज नहीं आ रही मेरे को, मुझे तो साफ दिख रहे हो। हेलो बाद में करता हूँ। अरे हेलो नेटवर्क चौक दोगे, नेटवर्क चौक। Anyway guys, so this was the three of us on Old Famous Honest Reviews. And guys, finally हम लोग सोच रहे हैं कुछ एक प्रीमियम मेंबरशिप टाइप की शुरू करें Honest Review के एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए. So let us know in the comments if that's something that we should do or we should not do. बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेंस एक्सपी को और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और गेट वेल सून भी लिख दीजिए। मेरे गर्दन का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे ही पता है मैंने ये एपिसोड कैसे रिकॉर्ड किया। बेचारा देखो तुम्हारे लिए इतना कर रहा है यार, आदमी पर हर्ट होता है यार, उसकी गर्दन में सच में हर्ट होता है यार। गर्दन में बहुत ज्यादा हर्ट होता है। चलो बाय बाय बाय। अरे मेरा हाथ छोड़ राजू। राजू तू पागल हो गया, देख जो दो चार पैसे मिल रहे ये भी ना मिलेंगे, मर्डर के चार्ज में अंदर और चला जाएगा, चार बालेंगे तेरे, कौन संभालेगा तेरे पीछे। अब काय को मर्डर करना यार। सुने ना मैडम ने व्हाट्सएप किया, किसी का केक कट रहा है बाहर, चाकू मंगाया है, मर्डर कट।